बिहार के नवादा जिले में साधु का वेश धारण किए 6 मुस्लिमों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी भीख मांग रहे थे। ग्रामीणों को इन पर शक हुआ कि ये हिंदू नहीं है। इसके बाद से उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि सभी मुस्लिम हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। दरअसल ये पूरा मामला नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के चातर गांव का है। यहां मुस्लिम युवक साधु की वेशभूषा में घूमकर भीख मांग रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में उसने मुंह से इस्लामी शब्द निकल गया। इसके बाद से उससे अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की गई। फिर एक के बाद एक 6 लोग पकड़े गए। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पकड़ा गया व्यक्ति खुद को उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बता रहा है, साथ ही अपने साथ 15 से 20 लोगों के होने का भी दावा कर रहा है। पकड़े गए आरोपियों का नाम कलीम अहमद, राशिद, नवाब अली, अमजद खान और सुभाष अली है। इन आरोपियों में से एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने किसी अन्य स्थान से पकड़ा है। पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन आरोपियों के पास से चाकू छुरे भी मिले हैं। ये लोग वेश बदलकर चोरी, लूट और बच्चे चुराने की घटना को अंजाम देते हैं। इस मामले में SP अमरेश राहुल ने कहा कि चातर हॉल्ट में 6 लोग गेरुआ और अन्य कपड़े पहनकर उतरे थे। ये सभी मुस्लिम है। स्थानीय ग्रामीणों ने साधु का वेश धारण करने के आरोप में उन्हें बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पकड़े गए सभी आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। पारंपरिक रूप से इसी वेशभूषा में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। चातर हॉल्ट पर ये भीख मांगने के लिए उतरे थे। स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मुस्लिमों के साधु के वेश में घूमने की यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के इंदौर में मोहम्मद राशिद ने साधु का चोला धारण कर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की थी। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि ज्योतिषी के भेष में राशिद ने उसे बुरी नीयत से छुआ है। महिला के शोर मचाने के बाद जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उसकी सच्चाई सामने आई। वे कोई ज्योतिषी नहीं बल्कि मोहम्मद राशिद नाम का एक मंचला निकला। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर में भगवा चोला पहनकर घूम रहे मुस्लिमों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुसाफिर जोगी और याद अली नाम के दोनों योगियों की गतिविधियों को संदिग्ध पाने पर लोगों ने उनसे पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने उनसे गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र सुनाने को कहा तो वे हड़बड़ा गए। जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने माना कि वे मुस्लिम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।